क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो लिवरपूल ने एक बहुत ही कंजूसी वाली डील कर ली है, बहुत ही अच्छी डील डन करी है उन्होंने यूवेंटस से। यूवेंटस से उन्होंने खरीद लिया है फेडरिको कियेसा, जो उनके विंगर्स हैं, मेन प्लेयर हैं जो यूवेंटस के। बता दूं कितने में खरीदा है उनको, 12.5 मिलियन यूरोज में, मात्र 12.5 मिलियन यूरोज में खरीदा है, जिसमें से 10 मिलियन यूरोज प्लस 2.5 मिलियन यूरोज के एड ऑन्स होंगे। तो इतने सस्ते में खरीदा है, काफ़ी अच्छा एक तरह से खरीदा है इनको। और अब वो अलोंग साइड किसके साथ खेलेंगे, एलेक्सिस मैकलिस्टर और रियान ग्रेवनबर्ग के साथ निभाएंगे वो अपनी भूमिका। तो बता देना चाहता हूँ कि ये जो यूवेंटस के प्लेयर हैं, काफ़ी उनकी टीम के लिए काफ़ी अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, लेकिन इनको इंजरी हो गई थी 2022 या 2021 के एंड में, इनको इंजरी हो गई थी। नी इंजरी की वजह से इनका जो परफॉर्मेंस है ये डिप होने लगा, जिसकी वजह से इनकी जो मार्केट वैल्यू है, कीमत है जो, वो डाउन हो गई। अगर मेरे ख्याल से इंजरी से पहले, एक 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले अगर इसकी कीमत लगाएं तो 50 मिलियन यूरो से ऊपर ही थी इनकी जो थी ट्रांसफ़र फीस या ट्रांसफ़र वैल्यू। लेकिन इंजरी के बाद इनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए, यूवेंटस के लिए भी और इंटरनेशनल भी, क्योंकि यूवेंटस में इन्होंने खासा नहीं उखाड़ा है 1-2 साल से। और अगर हम परफॉर्मेंस देखें इनकी इटली की और इंटरनेशनली, तो पिछले अभी अभी जो यूरोस खत्म हुआ है, 4 मैच खेले हैं, एक भी गोल नहीं और एक भी असिस्ट नहीं, तो पुअर परफॉर्मेंस है। लेकिन मात्र 26 साल के हैं ये। इन्होंने इंटरव्यू दिया है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा ये ड्रीम क्लब था और यहाँ पर आके एनफील्ड में आके, क्योंकि मैं फैंस के लिए खेलूँगा और यहाँ पर 60,000+ फैन हमेशा आते हैं, तो मैं उनके लिए खुश हूँ, उनके लिए कर्जदार हूँ जो मुझे चुना आर्ने स्लॉट ने, और मैं अपनी पोजिशन में अपना 100% दूंगा। बताना चाहें कि शुरुआत इन्होंने फ्रोयन ट्रीना से करी थी 2016-17 में, 137 मैच खेले थे वहाँ पर और 26 गोल किए थे एज ए विंगर। फिर इनको यूवेंटस ने खरीद लिया था क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया थी और वहाँ पर अच्छा खेले वो, 131 मैचों में 32 गोल किए इन्होंने। और अगर हम बात करें इंटरनेशनली, इन्होंने 51 मैच खेले इटली के लिए और वहाँ पर 7 गोल किए। तो शुभकामनाएं इनको, फेडरिको कियेसा को, कि लिवरपूल ने एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है। और ऐसी टैक्टिकल मूव्स या ट्रांसफ़र मूव्स के लिए लिवरपूल जाना जाता है। अगर लिवरपूल की बात करें तो इनके पास इतने तगड़े तगड़े लेजेंड प्लेयर नहीं हैं लेकिन ये एक तरह से कंपटीशन करते हैं, या फिर वो तोल मोल करके, मतलब कोई ना कोई प्लेयर को खरीद लेते हैं। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है लिवरपूल फैंस के लिए कि आपको एक और विंगर मिल गया है, तो कुछ ना कुछ उसको यूटिलिटी करेंगे, क्योंकि माइंडसेट देख लीजिए आप, जो भी मैनेजमेंट का है लिवरपूल का, बहुत तगड़ा रहने वाला है। और आर्ने स्लॉट तो आपको पता ही है कि कितने अच्छा मैनेज कर रहे हैं वो खिलाड़ियों को। तो यही न्यूज़ थी, वेलकम फेडरिको कियेसा टू मेरे ड्रीम क्लब और लिवरपूल में, क्योंकि लिवरपूल भाई मेरा भी ड्रीम क्लब है। जाना तो नहीं चाहता, लेकिन एक बार मैं एनफील्ड में वहाँ पर जाके मैच देखना चाहता हूँ, वहाँ का क्राउड को फील करना चाहता हूँ कि कितना तगड़ा क्राउड है वहाँ का। तो तब तक के लिए जय श्री राम। और ऐसी ही खबरें न्यूज़ की, फुटबॉल की या फिर टेनिस क्रिकेट्स की, मेरे अगर जानना चाहते तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।